हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड ओविपैरस एनिमल्स क्या होते हैं और विविपैरस एनिमल्स क्या होते हैं। जिसने भी मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है और सेकंड वीडियो नहीं देखी है, आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्लास 8th। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसकी वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 डल चुकी है मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 को कवर करके आइए, क्योंकि आपको एकदम बीच में से कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। अगर मैं आपको पहले और दूसरी वीडियो का रेफरेंस दे रही हूँ तो किसी कारण से ही दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो नंबर इस वीडियो में मैं शॉर्टकट्स मतलब बता सकती हूँ कि फीमेल एंड मेल का ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, जायगोट ऐसे बना, फिर उसके बाद एम्ब्रियो ऐसे बना, एम्ब्रियो से बेबी ऐसे बना, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आपके माइंड से पूरा सब कुछ ऊपर के लिए जाएगा कि ये क्या बोल रही हैं दीदी, एकदम फास्ट मोड में बोल रहे हो आप। बट ऐसा नहीं है, मैंने वीडियो 1 एंड वीडियो 2 में आराम से आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझा दिया है। तो प्लीज़ आप वीडियो 1 एंड वीडियो 2 को जरूर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। और जैसा कि आपको पता है, PMHHV स्कॉलरशिप 2023 के फॉर्म्स आ चुके हैं और थोड़े ही दिनों में वो साइट बंद हो जाएगी एप्लीकेशन करने फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो प्लीज़ जिसको भी नहीं पता है, वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना, मैंने सिलेबस के लिए भी बता रखा है कि क्लास 8th का क्या सिलेबस है, क्लास 10th के लिए क्या क्या आने वाला है। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट क्लास 9th के हैं या फिर क्लास 10th प्रिपेयरिंग है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें अपन लोग क्या पढ़ेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या आता है। इसे क्या कहते हैं? आई वी एफ। ओविडक्ट्स ऑफ सम वुमेन आर ब्लॉक्ड ड्यू टू सम रीजन। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैं आपको रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ, वीडियो नंबर 2 में मैंने अच्छे से बता रखा है। ओविडक्ट इसमें आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको वीडियो नंबर 2 देखना मस्ट है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी भी है। तो ओविडक्ट्स ऑफ सम वुमेन आर ब्लॉक्ड, मैंने जैसा कि आपको बताया था, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन होता है, वो वहीं जाके फ्यूज होता है। ओविडक्ट में ये प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं, अगर ये किसी भी फीमेल में, बहुत सारी फीमेल ऐसी होती है जिनमें ये ब्लॉक होती है, रुकी हुई होती है, कट लगा होता है इसमें। सम सच वुमेन्स कांट प्रोड्यूस बेबीज इन दिस वे। ऐसी महिलाएं, ऐसी फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जन्म नहीं दे पाती अपने बच्चों को इस मेथड में, जैसा कि नॉर्मल मेथड मैंने आपको सेकंड नंबर वीडियो में बता रखा है। बट अभी इसका अभी अपन सॉल्यूशन देखेंगे कि ऐसे फिर कैसे उनके बेबी बर्थ करते हैं इस वर्ल्ड में, देखते हैं। ऐसी फीमेल्स को क्या कहते हैं दोस्तों? स्टराइल फीमेल। क्या कहते हैं? स्टराइल फीमेल, जो कि नॉर्मल वे में अपने बेबी को बर्थ नहीं कर पाते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स IVF मीन्स इन ग्लास फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन ग्लास फर्टिलाइजेशन, ग्लास में या फिर टेस्ट ट्यूब में। आपने ज़्यादातर देखा ही होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF मशीन्स, IVF सेंटर्स। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग विथ स्पर्म, काय का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एग का और स्पर्म का, इज कैरी आउट इन ग्लास और ट्यूब। किस में हो रहा है बड़ी? ग्लास में और ट्यूब में। और नेचुरल वाले में कैसे होता है? जैसे नेचुरल प्रोसेस है अपना, उसमें क्या होता है? ओविडक्ट में होता है यही चीज़, ओविडक्ट में। बट किसी भी फीमेल, किस फीमेल की या फिर बहुत सारी लेडीज़ों की ये चीज़ ओविडक्ट में ब्लॉक है, ओविडक्ट बंद है या फिर उसमें गठान है, तो फिर कैसे होगा? तो उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की हेल्पिंग से बेबी को बर्थ कराया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF। इसमें फर्स्ट प्रोसेस है अपना। एग्स आर रिमूव्ड बाय लेप्रोस्कोपी। अभी आप आगे जाके हायर एजुकेशन में पढ़ेंगी, हायर क्लास में, क्लास 10th या क्लास 12th में, लेप्रोस्कोपी क्या होता है। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ आपको क्लास 8th के हिसाब से कि एग्स आर रिमूव्ड बाय लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी मतलब एक इंजेक्शन या फिर ट्यूब टाइप की डाली जाती है
फीमेल के स्टमक को थोड़ा सा ऐसे कट के लगा के जितने में वो चला जाए, हल्का सा ट्यूब। तो एग्स रिमूव कर लिए जाते हैं कहाँ से, फीमेल से। एंड फीमेल हस्बैंड प्रोवाइड स्पर्म या फिर सीमन। क्या प्रोवाइड करते हैं फीमेल के हस्बैंड? सीमन एंड स्पर्म, स्पर्म एंड एग्स इन ग्लास। ग्लास में स्पर्म और एग को मैशअप किया जाता है, मिक्स किया जाता है, या फिर टेस्ट ट्यूब में। किसमें लिया जाता है? टेस्ट ट्यूब में और ग्लास में, मतलब ग्लास की ट्यूब होगी उसमें लिया जाएगा स्पर्म को और एग को। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। आफ्टर 7 days, कितने दिनों बाद? आफ्टर 7 days या फिर 1 week। 1 week एम्ब्रियो इम्प्लांट इनटू यूटरस, उसी मदर की वॉर्म में, मतलब यूटेरस में एम्ब्रियो को द्वारा से इम्प्लांट किया जाता है, क्योंकि उसकी जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ डायग्राम बना के यहाँ। मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं हो सकता दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है, और इम्प्लांटेशन इसी जगह पर होता है। इसी जगह पर आपका इम्प्लांटेशन होता है। और जब यहाँ पर कट लगा हुआ है, ब्लॉक है, ये चीज़ ब्लॉक है, तो इस चीज़ को तो अपन टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं। इस चीज़ को किस में कर सकते हैं? टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं। बाकी का यहाँ से तो पूरा सिस्टम वेल ओके है। तो फिर एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देते हैं यूटेरस में, क्योंकि यूटेरस में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सक्सेस रेट क्या है दोस्तों? 30-40%। क्योंकि नेचुरल के खिलाफ, नेचर के खिलाफ अगर जाएंगे, नेचर को अपोज करेंगे, तो वो भी आपको अपोज करने का ट्राई करती है। सक्सेस रेट इसका क्या है? 30-40%। अब देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का। मैंने एनसीईआरटी से थोड़ा सा पैराग्राफ उठाया है, जिससे आपको ये ना लगे कि ये एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट है, हमारी बुक में तो है ही नहीं। तो हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी? क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? बूजो एंड पहेली टीचर वंस टोल्ड देम इन क्लास दैट इज वन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। मैंने अभी आपको भी यही बताया कि सम वुमेन्स के, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी ओविडक्ट में ब्लॉक होता है। दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज, ये लोग अपने बच्चों को कैरी नहीं कर पाते, क्योंकि बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म पहुँच नहीं पाता है, क्या नहीं हो पाता? स्पर्म पहुंच नहीं पाता है कहां तक? फैलोपियन ट्यूब तक, क्योंकि वहां क्या हो गया है? ब्लॉक हो गई है, ब्लॉकेज हो गया है। इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग। डॉक्टर्स क्या करते हैं दोस्तों? डॉक्टर्स अब जो रिलीज फ्रेश एग है, फ्रेश मतलब एक दो दिन पहले का ही जो एग रिलीज हुआ है फीमेल की ओविडक्ट में या फिर फैलोपियन ट्यूब में, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कैसे कलेक्ट कर लेते हैं? मैंने आपको बताया था, एक ट्यूब सी डाल के, लैप्रोस्कोपी नाम का एक ऑपरेशन करके, उसको ट्यूब को डाल के उसके एग को बाहर निकाल लिया जाता है। एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर, और स्पर्म्स को भी बाहर निकाल लिया जाता है। कीप देम टुगेदर, टुगेदर इनको दोनों को मिलाया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। किसमें? फॉर अ फ्यू आवर्स, दो तीन घंटे के लिए, फॉर IVF। क्या कराने के लिए? IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी। IVF का मतलब क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स, क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन अकर्स, इस केस में फर्टिलाइजेशन अकर हो रहा है। जायगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट ए वीक। जायगोट को मतलब जायगोट को एक हफ्ते तक उसी में डेवलपमेंट होने दिया जाता है। देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूटरस। मैंने अभी आपको वही समझाया अपने नोट्स में, अभी मैंने खुद के ही नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी को एक्सट्रैक्ट करके, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करके, प्रॉपर एनालाइज करके। क्या होता है? वन वीक के लिए यूटरस वो जायगोट को बाहर रखा जाता है, फिर उसके बाद इसे यूटरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटरस। फिर डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूटरस में, जैसे नेचुरल मदर्स करती हैं,
बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी, सभी सभी बच्चों की तरह ये बेबी भी पैदा हो जाता है. बेबी इज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज. ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज. दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब. बट ऐसी ये वर्ड जो है टेस्ट ट्यूब बेबी, आपको लग रहा होगा बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में, बट ऐसा नहीं है. ओनली फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बाकी का सारा प्रोसेस यूटेरस में ही हो रहा है. बाकी का सारा प्रोसेस दोस्तों यूटेरस में ही हो रहा है. अब देखते हैं बीबी पैरस एनिमल्स. आइए चलिए पढ़ते हैं बीबी पैरस एनिमल्स क्या होते हैं. अगर आपको इस चैप्टर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैं आपको पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करूँगी और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी. अगर आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए 2022 PM SSV के लिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो भी कर दूंगी आपके लिए. बीबी पैरस एनिमल्स देखते हैं. बीबी पैरस एनिमल्स क्या होते हैं. बीबी मतलब होता है अलाइव, जो कि जिंदा है. पैरस मतलब बियर करना, बियर करना. डू नॉट ले एग, ये एग नहीं देते, अंडे नहीं देते, डायरेक्ट अपने यंग वंस को देते हैं. जैसे मदर से बेबी आता है, मदर से क्या आता है, बेबी आता है. देखा होगा आपने काऊ से काऊ वाला बेबी आता है, काऊ बेबी. कैट से किटन होती है. एग तो नहीं हो रहा डायरेक्ट, अंडा तो पैदा नहीं हो रहा. बट हैन मुर्गी से क्या होते हैं, अंडे. क्या होते हैं, अंडे. तो देखते हैं इसमें क्या बताता है ये आगे. लेट्स स्टडी. बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स क्या करते हैं, एग देते हैं. क्या करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं. बट बीबी पैरस एनिमल्स में क्या बता रहा है, एग को नहीं देना है डायरेक्ट, अपने यंग वंस को देना है. तो जैसे कि काऊ, डॉग, कुत्ते, बिल्लियाँ, लायन मतलब शेर, टाइगर, चीते, हॉर्स, रैबिट, इनके कभी भी आप अंडे नहीं देखेंगे. रैट, चूहे, एलिफेंट एंड कैमल. देखते हैं ओवी पैरस एनिमल्स. एनसीईआरटी पे मैं अभी आ रही हूँ, जस्ट पहले मैं इस कंसेप्ट को भी पढ़ा दूँ. ओवी पैरस एनिमल्स जो कि क्या कर रहे हैं, एग ले कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, एग ले कर रहे हैं. हैन लेज एग, मैंने बताया आपको. मुर्गी, मुर्गी कैसे करती है, हैचिंग करती है. हैचिंग मतलब गर्माहट पैदा करती है अपने घोंसले में, फिर अपने बेबी को बर्थ करती है. बेबी मतलब एग, एग में से उसका चिकन निकलेगा छोटा सा. स्पैरो चिड़िया, क्रो कबूतर, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्रॉग, इन सब के क्या होते हैं, अंडे पैदा होते हैं, अंडे. फिश, लिजार्ड, स्नैक, स्नैक का तो आपने देखा होगा. ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ा होता है. मैंने इसको सेल द यूनिट लाइफ में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अच्छे समझाया है कि सबसे छोटा सेल कौन सा होता है और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है. सबसे बड़ा सेल इसका ही एग होता है, इसका एग सबसे बड़ा होता है सेल, एक यूनिसेलुलर सेल. क्रोकोडाइल भी अंडे पैदा करता है, अंडे देता है. ऑल इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ये क्या करते हैं, एग को देते हैं, ले करते हैं एग को. एग लिंग एनिमल्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, एग लिंग एनिमल्स. और बीबी पैरस क्या होता है दोस्तों, बीबी पैरस में क्या आता है, बीबी पैरस में आएगा जो कि अपने ही जैसे अपने ही लोगों को जन्म दे रहे हैं. मतलब ह्यूमंस आ गए, काऊ आ गई, डॉग आ गई, बट ओवी पैरस में ऐसा नहीं होता. ओवी पैरस में एग लेंगे, एग. चलिए देखते हैं बीबी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स. ये देख लिया आप, एनसीईआरटी का पैराग्राफ लिया मैंने. वी हैव लर्न डेट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग्स. मैंने आपको बताया कुछ तो एग देते हैं, कुछ अपने ही यंग वंस पैदा करते हैं. विच लेटर डेवलप इन टू यंग वंस. वो एग भी ऐसा नहीं है, एग भी यंग वंस, वो बड़े होकर यंग वंस बन जाते हैं. द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे एनिमल्स जो अपने ही बच्चों को पैदा कर रहे हैं, आर कॉल्ड बीबी पैरस. क्या कहते हैं, बीबी पैरस एनिमल्स. तो दोज एनिमल्स विच ले एग्स, जो अंडे पैदा कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, ओवी पैरस. क्या कहते हैं, ओवी पैरस. देखते हैं द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन बीबी पैरस एंड ओवी पैरस.
देखते हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व, क्या लिखा हुआ है? ट्राई टू ऑब्जर्व एग ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। आप बहुत सारे एग को ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कि फ्रॉग का, फ्रॉग एग एग देता है, लिजर्ड एग देती है, बटरफ्लाई एग देती है, और मॉथ, हैन, क्रो और एनी अदर बर्ड। सब बर्ड्स को देखिए। वेयर वी यू एबल टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम, मेक ड्राइंग ऑफ द एग्स डेट यू हैव ऑब्जर्व। आप ड्राइंग भी बना सकते हैं जो जो आपने देखा। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है इसमें पैराग्राफ में। द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओवीपैरस एनिमल्स। क्या होते हैं ओवीपैरस एनिमल्स? बट यू वुड नॉट टू बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग। बट आपको एग नहीं मिलेगा डॉग का, क्योंकि डॉग अपने पपी को ही जन्म देते हैं। काऊ का, किसका? काऊ का, कैट का, इन सब के आपको एग नहीं मिलेंगे। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले, क्योंकि ये एग को पैदा ही नहीं करते, एग को ले ही नहीं करते, अंडे देते ही नहीं है। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस। हमारी मम्मा ने हमको जन्म दिया है तो हमें एग के फॉर्म में तो नहीं दिया, छोटे बच्चे तो पैदा हुए थे। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बीवी पैरस। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं दोस्तों? बीवी पैरस के। तो जैसा कि इस चैप्टर में ओनली एक कंसेप्ट ही बाकी रह गया है, मेटामॉर्फोसिस, बता देती हूँ मैं आपको। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस एंड क्लोनिंग, बस ओनली दो कंसेप्ट रह गए हैं। एक अलग वीडियो बना के मैं इन दोनों को डिस्कस करूँगी, मेटामॉर्फोसिस एंड क्लोनिंग। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी। मेटामॉर्फोसिस एंड क्लोनिंग अलग से ही कंसेप्ट समझाया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग हट के कंसेप्ट है। जिसको भी अगर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के लिए क्वेश्चन चाहिए, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के लिए, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कमेंट्स बताएं ज़रूर कि कैसी लगी आपको वीडियो। कमेंट्स में बता दीजिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको PM HSV के लिए PM HSV के लिए प्रिपरेशन करा दूंगी मैं क्वेश्चंस के थ्रू, MCQs के थ्रू। ओके, आप बता दीजिएगा आपको साइंस की चाहिए या फिर मैं SST मैथ के भी ले लूं, या GK तो मैं चला ही रही हूँ अपनी, वन वीडियो डेली आया करेगी आपके लिए, वन वीडियो, या फिर हफ्ते में 3 वीडियो, हफ्ते में 2 वीडियो, जो भी है। GK का तो मैं डेली करा ही रही हूँ, साइंस का, SST का और मैथ का, ये तीन सब्जेक्ट आ रहे हैं, और GK तो आ ही रही है अलग से। तो GK की जिसने भी GK की कल वाली वीडियो नहीं देखी है, भारत में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा क्या क्या है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए। आपके लिए ओनली 15-20 मिनट के लिए, अगर आप उसे फास्ट पे भी लगा के देखेंगे तो भी आपको पूरा याद हो जाएगा। मैंने उसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स एंड टिप्स बताई हुई हैं याद करने के लिए। तो देन फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड जो भी बच्चे ऐसी एजुकेशन चाहते हैं जिन्हें बिल्कुल भी एकदम क्रिस्पी नोट्स चाहिए, एकदम लाइन टू लाइन लिखा हुआ, टीचर के हैंड से लिखा हुआ, तो प्लीज़ उन्हें शेयर कर दीजिए। जिसको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, आप लिख के इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन प्रैक्टिस इस वाले चैप्टर का, इस वाली क्लास के लिए, तो मैं वो वाला वीडियो भी तुरंत ही आ जाएगा आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बनी रहिए इस चैनल पर, लाइक कीजिए। बाय फ्रेंड्स।